ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्य साईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परतीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदंघ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री
सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती सम विशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वंगनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परंधाम ज्ञान विज्ञान शोभिताः। मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं प्रतिवासाय मंगलं सत्यसाईने। ॐ शांति शांति शांतिः। श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं, चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूं, अर्थात मैं ईश्वर हूं। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और तीन बार ओमकार का उच्चारण करें। देखें
बंद करें और ज्योति को दोनों भावों के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भावों के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे, ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया।
ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्र दल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्र दल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है। Thank you.
शक्ति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो जय साई राम। मूर्ति भगवान श्री गणेश के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम एवं भगवान बाबा के चरणों में हम सभी के अनंत प्रणाम। गणपति अथर्वशीर्ष सीखने की इस श्रृंखला के छठवें दिन मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम इतने काबिल एवं महत्वपूर्ण लोगों से गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में सुन एवं सीख रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अनीता अवस्थी आंटी जी को। आप श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश की जॉइंट आध्यात्मिक प्रभारी हैं एवं आप संयुक्ता श्रुति श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की महिला एवं बहनों को वेद पाठ सिखा रही है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अनीता आंटी अवस्थी जी को। साई राम। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तञ्चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुम्भिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षञ्च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमेद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब इस कार्यक्रम में आगे हम सुनेंगे श्रीमती लताराज आंटी जी को। आप न केवल एक बेहतरीन गुरु हैं अपितु आप एक बहुत समर्पित भक्त भी हैं। मैं आपको अपने गुरु के रूप में पाकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझती हूँ। स्वामी द्वारा बताया गया मार्ग कर्म ही पूजा है को आपने अपने जीवन में स अक्षर उतारा है, जो कि हम सभी युवा भाई बहनों के लिए एक मिसाल का कार्य करता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती लताराज आंटी जी को। साई राम। ओम श्री साई राम। परम पूजनीय वेद माता श्री सत्य साई भगवान की कमल रूपी चरणों में शतकोटि नमन और आप सभी को प्यार भरा साई राम। हमने अभी तक गणेश अथर्व शीर्षम मंत्र का व्याकरण और भावार्थ देखे थे। अभी हम इसका फल
क्या है वो देख लेते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष मंत्र का फल कुछ इस प्रकार है। ये तदथर्व शीर्षयो धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका मतलब है, अगर कोई भी इस अथर्व शीर्ष मंत्र को श्रद्धा पूर्व अध्ययन करते हैं तो उन्हें ब्रह्म पद की मार्ग मिल जाता है। सर्व विघ्नैर्न बाध्यते, वो हमेशा कष्टों से पीड़ित नहीं रहेंगे। सर्वत्र सुखमेदते, हर प्रकार की संतुष्टि उन्हें मिल जाएगा। पंच महापापात् प्रमुच्यते, पांच इंद्रियों से जो हुए पापों से मुक्ति मिल जाएगा। सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, यदि सायंकाल इस अथर्व शीर्ष मंत्र का उच्चारण करते हैं तो दिन में किया हुआ पाप का नाश हो जाता है। प्रातरधियानो दिवसकृतं पापं रात्रिकृतं पापं नाशयति, यदि प्रातः काल हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पूर्व दिन के जो रात्रि किए हुए पाप का नाश हो जाता है। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति, सायं और प्रातः काल दोनों समय इस मंत्र का यदि उच्चारण या ध्यान करते हैं तो कहीं जन्मों का पाप नाश हो जाता है। सर्वत्रादियानो पविघ्नो भवति, हमारा मन का एकाग्रता बढ़ेगा और हर विघ्न दूर हो जाएगा। पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका प्राप्ति होगा। इदम अथर्व शीर्षम शिष्यायन देय अशिष्यायन देय, यदि कोई अच्छे शिष्य नहीं है या सन्मार्ग में नहीं चल रहा हो ऐसे व्यक्ति को इस मंत्र को सिखाना नहीं है। सहस्रावर्धनाध्यम यं काममधीते तं तमनेन साधये, सहस्र आवृत्ति मतलब हजार बार इस मंत्र का पारायण करके ध्यान करके और रिसर्च करते हैं तो उन्हें सिद्धि मिल जाएगा। अगर कोई गणपति जी को ब्रह्म तत्व स्वरूप के स्वरूप मानकर ध्यान करते हैं तो वो वाग्मी मतलब उनका वाक शक्ति बढ़ेगा, वो बड़े अच्छे वक्ता बन जाएंगे। अगर कोई चतुर्थी के दिन उपवास करते हैं तो वो ज्ञानी बन जाते हैं। ये अथर्वण ऋषि का वाक है। जो भी इस मंत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो उन्हें हर प्रकार की विद्या मिल जाती है और अहंकार से उत्पन्न हुए एक डर जो है वो मिट जाएगा। अभी तक हम इस गणेश अथर्व शीर्ष मंत्र का फलश्रुति देखा, अभी हम भौतिक रूप से गणेश जी का दृश्य स्वरूप को अगर पूजा करते हैं तो क्या क्या लाभ है वो भी देख लेते हैं। गणेश जी को अथर्व शीर्ष की रूप में जो भी ध्यान करते हैं, दुर्वाग्रास से अगर पूजा करते हैं तो उन्हें कुबेर जैसे धन संपत्ति मिल जाएगा। वो गणेश जी को अक्षदा से पूजा करते हैं तो उन्हें उनका नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो जाएगा, वो मेधावी हो जाएंगे। जो हजार मोदक का प्रसाद चढ़ाकर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उनकी सारे मनोकामनाएं सिद्ध हो जाता है।
जो भी समित डालकर हवन करते हैं और गणेश जी की वंदना करते हैं तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई ब्राह्मणों 8 ब्राह्मणों को इस गणेश अथर्व शीर्ष मंत्र को सिखाते हैं या यदि कोई 8 ब्राह्मणों के संगत में इसका उच्चारण करते हैं तो वो सूर्य देव की भांति तेजस्वी बन जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय पवित्र नदी के तट पर गणेश जी की प्रतिमा के सामने अगर कोई इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, वो महाविघ्न से मुक्त हो जाते हैं, उनका सारा दोष निवृत्ति हो जाता है, उनका सारा कार्पण्य दोष ही खत्म हो जाता है, सब प्रकार की ज्ञान मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, यह एवं वेद इत्युपनिषद, ये वेद और उपनिषद कह रहा है। इस पावन मंत्र का उच्चारण हमको हमेशा करना चाहिए और गणेश जी का आशीर्वाद और इस मंत्र का लाभ हमको लेना चाहिए। अब आइए देखते हैं इस मंत्र का फलश्रुति का व्याकरण। इस फलश्रुति में महाप्राण बहुत ज्यादा अक्षर है। अथर्व भूयाय विघ्नैर भाद्यते वाद्यते सुख मेधते सायमधीयानो प्रातरधीयानो सर्वत्राधीयानो पविघ्नो भवति धर्मार्थ। मतलब कहने का ये मतलब है, आप सबको वर्णमाला जानते हैं, आपने सीखा होगा बचपन में, हर वर्ग का दूसरी और चौथी जो अक्षर है वो महाप्राण कहलाता है। तो कहां कहां ये जो अक्षर आते हैं उसको इसी तरह शुद्धि पूर्वक उच्चारण करनी चाहिए। अब हलंत क्या है देखते हैं। यहां पर इदम अथर्व शीर्षम शिष्यायन देयम, यहां पर देखिए सिर्फ देयम में म के नीचे हलंत है, बाकी जगह पर कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है, तो हम पूरा अक्षर उच्चारण करनी चाहिए। इदम अथर्व शीर्षम शिष्यायन देयम, लेकिन यहाँ गलती होती है अक्सर, इदम अथर्व शीर्षम ऐसे करके बोलते होंगे, आप ध्यान पूर्वक इसका उच्चारण कीजिएगा। मनश्नन जपति, यहां पर भी मनश्नन यहां पर हलंत है, तो इसीलिए मनश्नन जपति ऐसे बोलेंगे। और मोदक सहस्रेण यजति, यहां पर हलंत नहीं है, हम मोदक नहीं बोल सकते हैं, मोदक सहस्रेण यजति। ओके, अब अनुस्वार की ओर ध्यान देते हैं। पापं नाशयति, पापम नहीं बोलेंगे क्योंकि अनुस्वार के बाद ना का उच्चारण आ रहा है। मोक्षं च विन्दति, अनुस्वार के बाद च इसीलिए मोक्षं च विन्दति। वर्तनाध्यं यम काममधीते तन्तमनेन साधयेत, ठीक है, यहां पूरा अनुस्वर है, उसका विधि पूर्वक उच्चारण करेंगे। तन्तमनेन साधयेत यं कामम वर्तनाध्यं यं कामम धीते तन्तमनेन साधयेत। सर्वल्लभते
ध्यावरणं विध्यान। ओके, अब विसर्ग यहां पर यस साज्य समिभिर यजति, य के बाद जो विसर्ग है उसके बाद स अक्षर है, इसीलिए हम आधा स के साथ संधि करेंगे। यस साज्य समिभिर, अवग्रह भी है यहाँ पर, सर्वत्रादियानो पविग्नो भवति, पापो पापो भवति। यहाँ कहीं अक्षर ह्रस्वा है, कहीं दीर्घ है, इसका भी ध्यान लग करके उच्चारण करना है। दास्यति भवति यजति, यहां पूरा ह्रस्वा है। फिर दियानो वाग्मी सूर्यवर्चस्वी, ये सारे दीर्घ अक्षर है तो ध्यान रखनी चाहिए। ये जो फलश्रुति में कठिन शब्द क्या है, कहां कहां हम अक्सर गलतियां करते हैं ये देखते हैं। प्रयुंजानो इदमथर्व शीर्षम शिष्यायन देयम् सहस्रा, यहां हिंदी में आपको सहस्त्रा करके लिखा होगा आपके बुक में, लेकिन यहां सहस्रा करके उच्चारण करना चाहिए, सहस्त्रा नहीं है। सहस्र का मतलब है हजार। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसको कैसे उच्चारण करेंगे? सहस्रावर्तनाध्ययं काममधीते तन्तमनेन साधयेत्। और भी बड़ा सेंटेंस है, अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानध्याम् प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमंत्रो भवति। दूर्वांकुरैर और वैश्रवणो, वैश्रवणो नहीं बोलेंगे, वैशाली वैष्णवी, उसी तरह वैश्रवणो पमो, वांछित फलम अवाप्नोति समित भिर यजति। ओके, तो हम अभी तक पूरा गणपति अथर्व शीर्ष में विसर्ग कैसे उच्चारण करेंगे, महाप्राण कैसे लगाएंगे और संधि कैसे लगानी है, अवग्रह अनुस्वार, ये सारे विधि हमने सीखा था, उच्चारण कैसे करते हैं ये भी जाना। हमने इस पावन गणेश अथर्व शीर्ष मंत्र का फलश्रुति भी देखा था। आज तक आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहे, इस मंत्र को सीखने में आप लोगों ने सामर्थ्य का, इसके लिए मैं भगवान से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस शुभ अवसर मुझे देने के लिए मैं उन्हें नमन करती हूँ। जय साई राम। तुम हो विघ्न विनाश गणेशा, विघ्न विनाशा गणेशा।
नारायण नारायण
नारायण नारायण।